आज हम बात करेंगे कई पीजी और यूजी लेवल के जो कोर्सेस हैं आईआईटीज में और एनआईटीज में। तो 2 वर्ष से लगातार जो पीजी कोर्स है, पीजी कोर्स में बहुत से स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे। पीजी कोर्स मीन्स एमटेक, एमएससी, जो भी कोर्स चल रहे हैं, पीएचडी। हमें एनरोल्ड आईआईटीज एनआईटीज में लोग कम कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है, इस पर गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए। एक तो रीजन है, अगर मेरे यहाँ पे देखा जाए तो रीजन क्या है कि जो स्कॉलरशिप है वो बढ़ानी चाहिए, एमटेक में बढ़ानी चाहिए और पीएचडी में बढ़ानी चाहिए, और फीस जो है कम से कम कर देनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट बीटेक करने के बाद अगर वो आईआईटी से बीटेक करता है तो एमटेक क्यों करेगा? अगर तभी करेगा जब उसको कुछ फायदा होगा। तो स्टूडेंट को कुछ तो दिखता नहीं है कि एमटेक करने के बाद हम क्या करेंगे, वो भी मुझे पैसा पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं जॉब ही कर लूँ। तो वो जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। जब तक गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि मुझे पीजी कोर्स में ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप दे, जिससे कि स्टूडेंट का मूवमेंट रिसर्च की तरफ जाए, एमटेक की तरफ जाए और रिसर्च हो सके, इंडिया में अच्छी रिसर्च हो सके। रिसर्च तभी अच्छी होगी जब गवर्नमेंट चाहेगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो भी लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती है तो आप जरूर स्टूडेंट के स्कॉलरशिप बढ़ाइए, फीस कम कीजिए। जो फीस बढ़ती चली जा रही है दिनों पे दिन, ये स्टूडेंट के लिए बहुत खतरनाक है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट अगर वो निकाल भी लेता है तो उतनी फीस कैसे पे करे, कैसे वो उसका हो। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट के जो भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, कहीं भी से, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, किसी भी एनआईटीज अथवा आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप 6 6 महीने नहीं आ रही, 3 3 महीने नहीं आ रही, 4 4 महीने हो जा रहे, 6 महीने हो जा रहे, उसकी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे। स्टूडेंट रिसर्च करे कि अपनी मेन प्रॉब्लम देखे, अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका खर्चा कहाँ से चलेगा। जब इंसान पीएचडी कर रहा होता है तो एक उसकी एज होती है, कई लोगों की शादी भी हो चुकी होती है, शादी के बाद पीएचडी कर रहे होते हैं और आप 6 6 महीने तक आप स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है जो इंडिया में अच्छी रिसर्च ना होने का। तो ये जो है, सभी गवर्नमेंट के जितने भी ओहदे ऊपर में बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सबसे पहला, एजुकेशन अगर इंडिया की सही नहीं है तो हमेशा हम पीछे बने रहेंगे। इसलिए इस बात पे गौर किया जाए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।